और अब बात करेंगे 17वीं लोकसभा सत्र की। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान सांसदों ने धार्मिक पहचान से जुड़े नारे लगाए। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में सांसद धार्मिक नारे लगाते दिखे और जमकर मोर्चाबंदी की। देखिए एक रिपोर्ट में। सत्रहवीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। संसद सत्र की शुरुआती दो दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए रखे गए थे। इस दौरान लोकसभा का नजारा बिल्कुल ही अलग दिखा। ज्यादातर नवनिर्वाचित सांसदों ने नियमों के विरुद्ध जाकर शपथ के बाद धार्मिक पहचान से जुड़े नारे लगाए। लोकसभा में जिस तरह से टोका टोकी और हंगामे के बीच जय श्री राम के जवाब में अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद ये साफ हो गया था कि शपथ ग्रहण तो एक ट्रेलर है और आने वाले दिनों में संसद में जमकर मोर्चाबंदी दिखेगी। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान धार्मिक पहचान से जुड़े नारे लगाए जा रहे थे। लोकसभा में कई सांसदों ने शपथ के बाद जहां अपनी वैचारिक पसंद के नारे लगाए, तो ज्यादातर सांसदों ने शपथ के बाद जय श्री राम, जय मां काली, जय भीम, जय समाजवाद, राधे राधे, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह अकबर और संविधान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं एक सांसद ने वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया। इसी के चलते प्रोटेम स्पीकर को कई बार शपथ के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड में ना जाने की बात कहनी पड़ी। बहुत शुक्रिया। इतनी लोकप्रियता तो सदन में मोदी जी की भी नहीं है। लोकसभा में सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला था, जब शपथ के बाद इतनी बड़ी संख्या में सांसद धार्मिक नारे लगाते दिखे और कर मोर्चाबंदी दिखी। वहीं यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के साथ बैठकर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। शपथ ग्रहण के बाद साफ हो गया है कि विपक्ष भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन संसद में आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।